हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बॉय सुमित की एक वीडियो, अक्षरा सिंह ज्योति सिंह कंट्रोवर्सी वीडियो पवन सिंह के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। ओ हो हो हो, ए मैडम, जवन तू डायलॉग बेटी को हाथ लगाने से जैसे कोई और भोजपुरी में कॉपी करता ही नहीं है। ये क्या है? तो भैया आज हम क्या की अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने पावर न घंटा क्या की अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने पावर न घंटा क्या की अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। हेलो हेलो जी जी, नमस्कार प्रणाम भैया, हम बॉय सुमितवा बोलते नी। जी बोलिए। अरे महाराज, रउआ आज कॉल इतना चुप काहे बानी, दमी काहे सदले बानी। अरे महाराज, रउआ पता बा रउआ के आज कल लोग मीडिया के सामने आके बदनाम करता, तो रउआ तनी कुछ बोल दी। मैडम तहरा के नहीं जानत। ये कौन है? पवन सिंह। ठीक, ये भी सही नहीं जानते। ए पवन भैया, खूब जोर जोर से हंसे का मन करता, हंसी का बस करो। सुमित भैया तो पागल समझेंगे। सलामरा कब कब लागे ला कि हम सही में कलयुग में जिये ता निका दून ना। तो भाई लोग आजकल हम जवन चीज देखा ता नहीं सुना ता नहीं, देखला सुनला के बाद थोड़ा सा हमारा माइंड हिल जाता ना। पवन सिंह अक्षरा सिंह के जीरो से हीरोइन बनैलन, आ ओकरा बाद अक्षरा सिंह का तरी कि हम पवन सिंह के जानते नहीं की। अब पवन भैया हम ये सब बात पर का बोली हो, तू ही कुछ बोला ना, बोला जी। रे जी, चल हट रे। अक्षरा मैडम जी, इज्जत से बोलने का, ठीक है? अरे जेकरा गाना पर 10,000 व्यूज ना आयला, वो अपना आप के भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार कहला। हट। अब बात कर जाओ मेन मुद्दा पर, मतलब कि पवन सिंह के पर्सनल लाइफ के बात के बारे में। तो भाई लोग तालों के तो पते हो, सबसे ज्यादा अगर जो सोशल मीडिया पर कोनो चीज आजकल ट्रेंड करता तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर की, पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक कैसे हो गई। तो ज्योति सिंह एगो इंटरव्यू में खुद बतैले बारी कि कादून पवन सिंह ज्योति सिंह के एगो सेट पर ले गए फिल्म शूटिंग के सेट पर, और वहां पर फिल्म शूट होते रहे, मगर जब पवन सिंह के टेक आई तो पवन सिंह अपन टेक लेबे चल गेलन, मगर उससे पहले अपन फोनवा ज्योति सिंह के देख के चल गेलन। ओकरा बाद कुछ देर बाद का दोनों को व्हाट्सएप पर मैसेज आइल, वॉइस मैसेज। तो ज्योति सिंह वो मैसेज के ना देखली, कहली कि ना ना हम केहू के मान लो मोबाइल है तो का देखी। पवन सिंह अहन तो अपने देखिए कि केकर मैसेज आइल बा। ओकरा बाद जब पवन सिंह टेक लेके अइलन तो का दोनों वो वॉइस मैसेज के पूरा साउंड फुल करके ज्योति सिंह के सामने सुनलन, और वो साउंड में ई रहे कि कादून ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड बा। और वो दिने से कादून ज्योति सिंह के और पवन सिंह के मैटर मतलब बिगड़ गई और तलाक के मैटर चले लगल। और हमरा ख्याल से केहू के पर्सनल लाइफ के बात जान के सुन के चाहे देख के हंसे के ना चाहिए। काहे से कि भाई लोग मान लो हम केहू के साथ में जब खुशे नहीं की तो उनका साथ में हम कैसे खुश रह सकते नहीं रह के। उहे बात बा पवन सिंह के साथ में, पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ में जब खुश नहीं खन तो तलाके नु ली हन। ओकरा बाद मैडम जवन है सब तू पोस्टवा कर तर तनी ध्याने से कर, ना तो चल जेबू भितरामपुर। तू हूँ जेकरा जवन प्रूफ करे के बाबू करू, आज दिन पवन सिंह प्रूफ डालनी है तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के कूदे। अब भैया जब पवन सिंह कोर्ट में अर्जी डालले बारन ज्योति सिंह से तलाक लेबे के, तब देखा कोर्ट के फैसला का बता। मगर काल जन पवन सिंह कोर्ट में गए लन, वो मतलब कुछ पूछताछ खातिर गए लन, मतलब जवाब देवे खातिर कि तू काहे मतलब तलाक उलाक लेबे के चाहत रह, का मैटर बा, का बात बा, तू लोग समझ सकता लोग। और ना तो पवन सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में बात के बारे में तालू के का कह, एक बार प्लीज कॉमेंट करके बताओ लोग। काहे से कि तू लोग जवन कॉमेंट करवा लोग कॉमेंट के पढ़ के, और ऊपर हम एगो और वीडियो बना देम, ठीक बात? तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ लोग। ओके, तो सबसे पहले तो मेरा कमेंट, ठीक है, इस बारे में
कि मैं बस यार इतना कहना चाहती हूँ, देखो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में हम कोई नहीं होते बोलने वाले, ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो किस लिए तलाक ले रहे हैं, क्यों तलाक ले रहे हैं, क्या दिक्कत थी, ठीक है, तो वो उनका खुद का मैटर है। अगर तलाक हो जाएगा उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है, जब इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू, तो एक साइड की ही कहानी सामने आ रही है, एक साइड की, लाइक ज्योति सिंह ही इंटरव्यू दिए चली जा रही थी, ठीक है, लेकिन पवन भैया का इंटरव्यू कभी सामने नहीं आया इस बारे में, शायद आया भी होगा तो मैंने इतना सुना नहीं, है ना। अभी जो रिसेंट वाला इंटरव्यू जो दिए हैं वो, है ना, कि भाई हम प्रूफ डाल देंगे तो फिर जमीन छोड़ के कूदने लगोगे, है ना, तो ये सब चीज़ें जब बोला है तो होगा भाई, कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ही उनके पास, कोई ना कोई सबूत होगा ही। जैसा कि ज्योति सिंह भी कह रही थी कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है, ये है, वो है, ठीक है। तो दोनों को जो भी प्रूफ है वो पब्लिकली इस तरीके से ना बात करके, दोनों जन अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट में ही वो सबूत पेश कीजिए, है ना। पब्लिकली इस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, फ़ायदा तो है, ये चीज़ मैंने गलत बोली, फ़ायदा तो है, ऑफ कोर्स फ़ायदा है, दोनों को ही सेम तरीके से फेम भी मिल रहा है, सेम तरीके से दोनों के बारे में बात भी हो रही है। भाई आदमी चर्चा में कैसे रहता है, जब तक उसके बारे में बात ना हो, विवाद ना हो, तब तक कैसे चर्चा में रहता है। और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा 80% से ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री विवाद के चलते ही चल रही है, विवाद के चलते ही, ठीक है, गाने हैं उसका पार्ट और विवाद है, ठीक, उसके बलबूते ही भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है। हम लोग ने झंड जी की भी वीडियो देखी है, उन्होंने भी साफ तौर पे ये कहा है कि हाँ भाई विवाद ना हो ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत कम लोग उनको जाने सुने सोचे। मतलब पता है क्या, मैं अगर सर्च करती हूँ, ठीक है, लाइक मुझे कोई भोजपुरी न्यूज़ अगर सर्च करनी है तो मैं जैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री सर्च करती हूँ, सबसे ऊपर जो लाइन आती है वो यही आती है, भोजपुरी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी, भोजपुरी इंडस्ट्री विवाद। तो अगर विवाद नहीं चल रहा है, अगर लोग सर्च नहीं करते हैं कंट्रोवर्सी विवाद, तो कैसे आ जाता है सर्च में, वैसे ही है लाइन कैसे आ जाता है। ये बात बोलने में भले आपको कड़वी लग रही होगी, मेरे मुँह से सुन के शायद आपको कड़वी लग रही होगी कि ऐसे कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बोल रही है, लेकिन ये बात सच है। आप खुद सर्च करो, एक बार यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करो, है ना, कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री, उसके बाद देखो उसमें क्या क्या आता है, लोग क्या क्या सर्च करते हैं, है ना, सॉन्ग्स आएंगे, मूवी आएंगी, लेकिन कंट्रोवर्सी, विवाद, इसका इससे विवाद, उसका उससे विवाद, इसका इससे विवाद, इससे उसके झगड़ा, ये सबसे ज्यादा आती हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री न्यूज अगर आप सर्च करोगे ना तो उसमें भी यही सब चीजें आएंगी कि फलाने का फलाने से झगड़ा हो रहा है, उनका इनका झगड़ा हो रहा है, ये इन दोनों का कॉन्ट्रोवर्सी, उन दोनों का कॉन्ट्रोवर्सी। जैसे यहाँ पे पवन भैया ने एक चीज जरूर सही कही कि हाँ स्टारडम तब दिखेगा जब कंट्रोवर्सी हटा के देखो, एक बार कंट्रोवर्सी हट जाए पूरी इंडस्ट्री से, सिर्फ अक्षरा सिंह से मत हटाओ कंट्रोवर्सी, है ना, पूरी इंडस्ट्री से एक बार कंट्रोवर्सी छोड़कर देखो, तब दिखेगा प्योर स्टारडम कितना है, ठीक है, तब दिखेगा प्योर स्टारडम कितना है, कितना लोग पसंद करते हैं, कितना लोग पॉजिटिवली पसंद करते हैं और कितना लोग नेगेटिवली पसंद करते हैं। ये भी चीज़ है, स्टारडम भी दो टाइप का होता है ना, एक आपकी अच्छाई के लिए लोग पसंद करते हैं, एक आपको विवाद, चर्चा या नेगेटिव चीज़ों के लिए पसंद करते हैं, ठीक, तो वो भी अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा मानना बस यही है यार कि जो चीज़ कोर्ट में चल रही है उसका फैसला अगर कोर्ट करे तो बेहतर है, जनता ने, है ना, जनता तो जनता सिर्फ गाने और मूवी तक सीमित रहे तो वो ज़्यादा सही है। खैर यार, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।